हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी मम्मा के लिए लंच लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी में लंच नहीं लेके गए थे शॉप पे, इसलिए मैं उनके लिए लंच लेके जा रही हूँ। तो ये हमारे गांव का शॉर्टकट रास्ता है, जहाँ से हम डायरेक्ट मेन रोड में पहुँच जाएंगे। अगर हम रोड से जाते तो अभी कोई घर पे नहीं है, तो रोड से भी पैदल जाना पड़ता, तो वहाँ से थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर वहाँ से जाएंगे हम, इसलिए हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। इस रास्ते से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से जो है, ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो अगर आप भी यहाँ आके पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा डलहौजी। से जा रही हूँ और वो मेन रोड दिख रहा है आपको, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। कि यहाँ पे पेड़ जो कट के गिरा हुआ है काफ़ी टाइम से रास्ते में, तो अभी मुझे ये इसके ऊपर से ही जाना पड़ेगा। और ये जो है वो बिजली गिरी थी इस पेड़ के ऊपर, इसलिए ये टूट के यहाँ गिरा हुआ है काफी टाइम से। अभी मैं इसके ऊपर से जाऊंगी। एडवेंचर्स, सब मैंने ये क्रॉस कर लिया है। लोगों ने लकड़ियां काट के इकट्ठी कर रखी हुई है वहीं से, इसी पेड़ से। ये बहुत बड़ा पेड़ था जो हमारे ही खेत में लगा हुआ था, ऊपर से गिरा था, इसके ऊपर बिजली गिरी थी तो यहाँ पे गिरा हुआ है। ये देखिए, ये कुछ मेरे को बिजली की तारें ज़्यादा ही नीचे लग रही हैं। काफ़ी टाइम बाद यहाँ से आ रही हूँ, तो सब कुछ अलग अलग सा लग रहा है। जब मैं कॉलेज आती थी तो मैं इसी रास्ते से जाती थी, क्योंकि मैं हमेशा ही लेट हो जाती थी सुबह, तो मैं 8 से 10 मिनट में भागते भागते नीचे पहुंचती थी इसी रास्ते से। और जब वो वहाँ पे बस आती थी उस मोड़ पे टावर के पास, टावर के नीचे यहाँ पे बस पहुँचती थी, तो मैं कभी कभी यहाँ यहीं होती थी इसी जगह से, और मैं वहाँ पे पहुँचती थी, बस को भी रोक लेती थी सिर्फ 8 या 10 मिनट के अंदर अंदर। पे पहुंच चुकी हूँ मम्मी के पास, तो अब लंच करेंगे। मैं अभी नहीं खाना खा के आई हूँ घर से, मैंने सोचा मम्मी के साथ ही इकट्ठे करूँगी, इसलिए तो हम खा रहे खाना। आप देखते रहो हमें। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का, और 5 बजे हमने दुकान बंद कर दी थी, तो मैं और मम्मी घर जा रहे हैं। हम पैदल चले हुए हैं, उस वजह से मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत धूप थी। अभी यहाँ पे थोड़ी सी छांव है, तो मैं अभी बना रही हूँ। ये अलग वे में चला जाता है और ये हमारे घर तक जाता है ये रोड। तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा शॉर्टकट लगा के थोड़ा रोड से जो है वो घर जाएंगे। तो इवनिंग टाइम में हम जो है वॉक करते करते
वहाँ पे जो आपको पैरापेट दिख रहे हैं वहाँ तक तो आते ही थे शाम के टाइम इवनिंग वॉक पे। तो यहाँ से इतना दूर नहीं है, हमें तो आदत होती है ऐसे जाने की पैदल। मैं तो कॉलेज टाइम में भी इसी रास्ते से आया जाया करती थी पैदल, सुबह उस वाले रास्ते से जहाँ से मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ से जाती थी और शाम को इस वाले रास्ते से आया करती थी, क्योंकि इस साइड से चलने में थोड़ी आसानी होती है कि क्योंकि यहाँ पे इतनी चढ़ाई नहीं पड़ती है, और जो दूसरा वाला है वहाँ पे सिर्फ चढ़ाई है, तो उस वजह से वहाँ से आने का मन नहीं करता है, और यहाँ घूम घूम के मज़े से आराम आराम से आ सकते हैं। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। ओके बाय बाय, टेक केयर।